अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू जायोस। लास्ट वीडियो में हमने बबल डॉट आईओ में कंपोनेंट्स से स्टार्ट किया था। उसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि कंपोनेंट्स की टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं और बेसिकली कौन से टाइप कब यूज करनी चाहिए। इस वीडियो में हम बेसिकली कंपोनेंट एडिटर के कॉन्सेप्ट से कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम कंपोनेंट एडिटर में जो अपीयरेंस का टैब है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। होपफुली आप भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे जिस तरह के मैं हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहां पर क्रोम को ओपन कर लूंगा और बेसिकली हम यहां पे कंपोनेंट एडिटर को ओपन कर लेंगे। डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके एडिट, और इस वीडियो में हम अपीयरेंस टैब को डिटेल में स्टडी करेंगे। अपीयरेंस टैब में बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि एक वीडियो में कवर करना काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिपीट हो रही हैं चीजें, तो इसलिए आसानी होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज रह जाएगी तो वो आने वाली वीडियो में जैसे ही वो चीज आएगी उसको जरूर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर थ्रू आउट द कोर्स कोई चीज किसी भी वजह से मिस हो जाती है तो जरूर उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसको फौरन क्लियर किया जाएगा। ओके, स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट्स को एक दफा फिर डिलीट कर दूंगा और फ्रेश स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास पेज है, टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं जो कि मोस्ट सिंपल एलिमेंट है। अपीयरेंस टैब में आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक टेक्स्ट एलिमेंट को ऐड किया है, और ये चीज प्लीज जरा नोट कर लें कि अपीयरेंस टैब में जो चीज शो हो रही है वो डिपेंड ऑन कि कौन सा आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया हुआ है, किस एलिमेंट पे है, उसका कंटेंट डिफरेंट होता है। ओके, जैसे कि आइकॉन टैब को मैंने आइकॉन एलिमेंट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर टेक्स्ट जो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करूं तो इसमें ये मेरे पास रिच बेसिकली ये एक और ऑप्शन है, लेकिन ये कंटेंट एरिया आ रहा है, जबकि आइकॉन में अपीयरेंस टैब में वो नहीं आ रहा। तो सबसे पहली चीज जानने की अपीयरेंस टैब के मुतालिक कि इसमें वो चीजें शो होती हैं जो इस आइकॉन पर एप्लीकेबल हैं। तो प्लीज इस तरह का काम ना करिएगा कि बेसिकली मैं कभी टेक्स के कंपोनेंट पे काम कर रहा हूँ और उस पे ये आ रहा है कि डू नॉट अप्लाई बीबी कोड व्हाट्स एवर व्हाट इज व्हाट एवर दिस इज, और आप उसको बेसिकली आइकॉन के टैब में ढूंढ रहे हो कि सर को वो ऑप्शन आ रहा था और मुझे नहीं आ रहा, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है। आपकी गलती ये है कि आपने एलिमेंट सही सिलेक्ट नहीं किया। प्लीज एलिमेंट को देखें कि एलिमेंट कौन सा है, और अगर उस एलिमेंट में मुझे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट एलिमेंट है, मुझे ये ऑप्शन आ रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो हाँ फिर हम डिस्कस कर सकते हैं। खैर अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं टेक्स्ट के साथ ही। यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल टेक्स्ट बेसिकली टेक्स्ट एरिया इनपुट है। अगर आपने यहाँ पे बेसिकली हेडिंग्स ऐड करनी है और लिस्ट वगैरह ऐड करनी है तो ये आपके पास ऑप्शन है रिच टेक्स्ट एडिटर की, उस पर क्लिक करें और ये आपके पास रिच टेक्स्ट एडिटर ओपन हो जाएगा। जो भी आप एक रिच टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं वो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आप आराम से इसको यूज करें, सेव करेंगे वो चीज वहां पे इंसर्ट हो जाएगी, और आप एट द एंड ये भी देख सकते हैं कि अगर आप वो चीज यहाँ पे खुद करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे कर सकते थे। इसने ये किया, मतलब मैं इसको कॉपी करके अगर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे तो वो इनफ है उस चीज को यहाँ पर लाने के लिए। तो ये इसका बेसिकली तरीका कार है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। डू नॉट अप्लाई बीबी कोड, ये बेसिकली ऑप्शन, हर एक ऑप्शन का बेसिकली मतलब पता होना जरूरी नहीं है। हमारे पास रेफरेंस गाइड है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मेन जो ऑप्शंस हैं उनका पता होना चाहिए। टेक्स्ट के लिए मेन ऑप्शन ये है कि टेक्स्ट आपने लिखना है, उसके बाद बेसिकली रिकॉग्नाइज लिंक्स एंड ईमेल्स, इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप इसमें लिंक लिख दें कोई भी, मैं अगर यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देता हूँ और बेसिकली मैं कहता हूँ कि इसको रिकॉग्नाइज करो, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो भी है मैं यहाँ पे एक दो एंटर कर देता हूँ, खैर, और इसको क्लोज कर लेते हैं। लेट्स सी, प्रीव्यू करते हैं कि प्रीव्यू में क्या आता है। उसको बेसिकली मेरे ख्याल से रिच टेक्स्ट एडिटर में जाके हमें लिंक बनाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं कि क्या ये ऑप्शन, इसको ये देखें, इसने इसको ऑटोमेटिकली ईमेल बना दिया और यहाँ पे मेल टू लगा दिया। मैं अगर वापस आता हूँ, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया, अनचेक करता हूँ इसको। ओके, और एचटीएमएल टैग्स फॉर दिस एलिमेंट नॉर्मल,
ये बेसिकली टैक्स सिलेक्शन के लिए। इसको अभी के लिए क्लोज कर दे, प्रीव्यू करता हूँ एक दफा, फिर देखते हैं कि ये लिंक खत्म होता है कि नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लिंक खत्म हो गया है। मीन अगर आप काफी ज्यादा लंबा टेक्स्ट लिख रहे हैं और आप बेसिकली खुद इस चीज की हेडेक नहीं लेना चाहते हर एक चीज को लिंक में ऐड करने के, तो आप इस टेक्स्ट इसको चेक कर दें, तो जो लिंक्स होंगे और जो ईमेल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली लिंक्स, तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्स और बेसिकली ईमेल लिंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। उसके बाद आप लिंक का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली लिंक्स आए हैं तो उसका कलर मैनेज करना चाहिए बंदे को, रेड कर लें व्हाट्सएवर, जो भी आप करना चाहें, ये बस इसका लिंक्स है का कलर सेटअप कर देगा। नेक्स्ट मैं आप कुछ दो तीन ऑप्शंस एक साथ ही यूज कर लूंगा ताकि हम जल्दी से इसको फिनिश कर सकें। हमने कुछ एलिमेंट्स को और भी ट्राई करना है और उस पर फिर हमारा काफी टाइम लग जाएगा। मेक द लिंक्स एज अनफॉलो, ये सिर्फ और सिर्फ एक SEO फैक्टर है, बेसिकली वो रेफ को अनफॉलो पे सेट कर देगा। अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक आपने लगा दिया और आप नहीं चाहते कि जब गूगल आपकी वेबसाइट को बेसिकली क्रॉल कर रहा हो, आपकी वेबसाइट के में से गूगल के जो बॉट्स हैं वो गो थ्रू कर रहे हो, वॉक थ्रू कर रहे हो, तो वो इस लिंक पे ना जाए, तो आप इसको चेक कर दें। इसका मतलब होगा कि जो आपने लिंक यहाँ पे ऐड किया, लेट्स से कि आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं trizlink.com और आप नहीं चाहते कि भाई गूगल का बोर्ड मेरी वेबसाइट में से इस वेबसाइट पे जाए, हालांकि आपको ऐसा नहीं चाहना चाहिए, आपको चाहिए कि इसको चेक रहने दे ताकि ट्रिजलिंग पे को भी इंडेक्स कर सके। खैर किसी भी वजह से अगर आप चाहते हैं कि गूगल के जो बोर्ड्स हैं इस लिंक को क्रॉल ना करें, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चेक को इसको चेक कर देंगे और ये नॉन अनफॉलो पे चला जाएगा, अनफॉलो। उसके बाद HTML टैग फॉर दिस एलिमेंट, जैसे कि नाम है SEO, बेसिकली आपने पेज में मेन एलिमेंट ऐड किया, हेडिंग है और उसको आप H1 सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। मैंने अभी सारे को H1 कह दिया तो खैर ये काफी हो जाएगा, बता उसका जो स्टाइल है वो वैसे ही है क्योंकि वो स्टाइल जो है वो यहाँ से मैनेज हो रहा है, लेकिन जो एलिमेंट यूज हुआ है वो अब H1 यूज हो गया। दिस एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल, ओके, बेसिकली अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अब इसका मतलब है कि इस एलिमेंट पे कोई क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि अभी तक हमने वर्क फ्लोज को स्टडी नहीं किया तो अभी हम इसको बेसिकली स्किप करा देंगे, ये क्योंकि पूरा वर्क फ्लो के रिलेटेड है। क्लिक किया है, डबल क्लिक कर दिया है, राइट क्लिक कर दिया है, क्लिक एंड होल्ड किया है, फोकस किया है, होवर किया है, ये सारे काम आपके वर्क फ्लो से हैंडल होंगे, ओके, जो बस एक्शन के काम है, वो जब हम उस पर चले जाएंगे तब हम उसको स्टडी करेंगे। अभी के लिए इसको अनचेक कर देंगे। स्टाइल अभी के लिए मैं आपको बेसिकली इस अपीयरेंस टैग में रहते हुए ही दिखाऊंगा, लेकिन ये एक कंप्लीट इस पे टॉपिक कंप्लीट वीडियोस और सेक्शन है जो कि हम इसमें स्टडी कर रहे होंगे और अपने कस्टम एलिमेंट्स बना रहे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बाय डिफॉल्ट एक स्टाइल अप्लाई किया हुआ है बॉडी का। मैं ये डिटैच स्टाइल पे क्लिक करूंगा, अगर मैं एडिट स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा स्टाइल्स में, उस स्पेसिफिक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। लेकिन मैं वापस आऊंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा डिटैच स्टाइल, मतलब कि स्टाइल को खत्म कर दो, स्टाइल नन हो गया कस्टम। और अब मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूंगा, पहले मुझे ऑप्शन भी नहीं था, यहाँ पे मैं फिर करके दिखाता हूँ, ये देखें ऑप्शंस गायब हो गए, खैर ये देखें नन, ओके, तो इस वजह से क्योंकि वो ऑप्शंस वहां से आ रहे थे। खैर इसको मैं नन कर दूंगा और इसकी ओपेसिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो इसकी बेसिकली वो है ओपेसिटी, जो HTML CSS की प्रॉपर्टी होती है वही इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंट कितना है ये। फॉन्ट फैमिली यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट वेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट अलाइनमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड स्पेसिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग मैं बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से बाकी तो आसान थे, ये थोड़े से जरा मुश्किल हो जाते हैं। वर्ड स्पेसिंग मतलब F और G के दरमियान स्पेस, चार करता हूँ, ये देखें F और G, ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगेगा, बेसिकली F और G वर्ड नहीं है, F और G के बाद स्पेस देके कुछ लिखूंगा तो वो वर्ड होगा, सॉरी ये चीज ये वर्ड है, ओके, तो इसके दरमियान आप देख सकते हैं 4 पिक्सल स्पेस है। मैं इंक्रीज डिक्रीज करके दिखा देता हूँ, 10 पिक्सल करूंगा, ये देखें
ओके तो ये चीज इसको मैनेज करिए। जीरो नॉर्मली जीरो होती है, एक्स स्पेस के इक्वल होती है। लाइन स्पेसिंग, ये लाइन ऊपर नीचे वाली लाइन के दरमियान स्पेसिंग, इसको ज्यादा कर देंगे तो ये देखें ज्यादा हो गई है। ओके डिफॉल्ट रहने दें, डिफॉल्ट ही ओके है और डिफॉल्ट ही 1.4 ओके। खैर लेटर स्पेसिंग, ये वो वाली स्पेस है जिसकी मैं बात कर रहा था एफ और जी के दरमियान, इसको आप ज्यादा करेंगे तो आप देख सकते हैं हर एक लेटर उतना पार्ट हो गया। ओके वर्ड स्पेसिंग मतलब एक लफज से दूसरे लफज तक, लेटर एक मतलब हिंसे से एक लफज से दूसरे मतलब हरफ तक, एक हरफ से दूसरे हरफ तक। सेंटर द टेक्स्ट वर्टिकली, ये अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि बेसिकली अगर इसकी विड्थ ज्यादा है और टेक्स्ट कम है तो उस टेक्स्ट को सेंटर में ले आओ वर्टिकल टॉप टू बॉटम, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल। उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल आप चाहें तो ग्रेडियंट इमेज कुछ भी लगा सकते हैं, फ्लैट कलर में लगा के दिखा देता हूँ और ये इसका मतलब है। ओके आप ग्रेडियंट इमेज लगा देंगे तो उससे भी होपफुली आपने गैस कर लिया होगा क्या रिजल्ट आएगा। डिफाइन ईच बॉर्डर इंडिपेंडेंटली, अभी क्या हो रहा है बेसिकली एक स्टाइल चारों बॉर्डर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट पे अप्लाई हो रहा है, इसको कर देंगे तो ऊपर नीचे हर एक बॉर्डर को लहदा से मैनेज कर सकेंगे। मैं एक साथ करके दिखा देता हूँ, सॉलिड बॉर्डर या डैशिड या डबल डैशिड दो जो भी आपने करना है आप सब ऑप्शंस को एक दफा ट्राई कर लें। राउंडनेस मैं 20 कर देता हूँ, ये देखें बॉर्डर चेंज हो रहा है। विड्थ मैं इसकी 20 कर देता हूँ आप देख सकते हैं, और कलर इसका बेसिकली आप देख सकते हैं ये सेट हुआ है, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ या ग्रीन कर देता हूँ वो आप देख सकते हैं बॉर्डर। और डबल क्योंकि सिलेक्ट किया है इस वजह से इस तरह आ रहा है कि एक ऊपर एक बाहर है, अगर मैं सॉलिड कर दूंगा तो ये होगा, अगर मैं डैश कर दूंगा तो डॉटेड कर दूंगा तो ये, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं और अपनी मर्जी के डिजाइन बना सकते हैं। खैर और इसको अगर कर देंगे तो अलहदा अलहदा भी मैनेज कर सकेंगे ऊपर नीचे वाला। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, टेक्स्ट शेडो अगर शो करनी है तो इस पर क्लिक करें और जो भी टेक्स्ट शेडो शो करनी है उसको शो कर लें। बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं कि 10 पिक्सल और आप देखेंगे तो, और ऑब्वियसली 100 पिक्सल भी रख सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि 10 ही रहेगा, ये एक्चुअल टेक्स्ट है ये उसकी शेडो है, तो अगर आप इस तरह का कोई इफेक्ट चाहते हो तो। उसके बाद शेडो स्टाइल, ये बेसिकली इनसेट आउटसाइड, ये बेसिकली एलिमेंट शेडो है तो इनसेट की जगह आउटसेट पे सॉरी आउटसेट पे जाते हैं, ये बाहर इसकी शेडो आ जाएगी और मैं इसकी शेडो को ब्लैक पे ले जाता हूँ ताकि मैं आसानी से देख सकूँ। और हॉरिजॉन्टल मैं इसको 8 पे ले जाता हूँ, वर्टिकल मैं इसको 10-16 पे ले जाता हूँ, ये आपके पास शेडो आ गई है, ये पूरे टेक्स्ट एलिमेंट की शेडो है। ब्लर रेडियस सारा कुछ आप इसको ट्राई कर सकते हैं और आप इसको 100-100 पे ले जाएंगे तो ये आपके पास, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ये बेसिकली ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज हैं और CSS के रिलेटेड अगर आपने कुछ भी सीखना है, वंस अगेन बेसिकली मैंने YouTube पे आपके YouTube का हमारे चैनल का शॉर्ट लिंक ये है कि zions.com/YouTube ओके लिख के आप एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली, ये हमेशा मैं इंशाल्लाह अप टू डेट रखूंगा, आप जब भी इसको एंटर किया करेंगे आप आ जाएंगे, इस बटन को जरूर क्लिक कर दिया करें, मैं अभी कर देता हूँ ताकि आपको भी हैबिट बन जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये प्लेलिस्ट है, दिस वन मास्टरिंग HTML5 एंड CSS, इसमें ये ऑलमोस्ट बेसिकली इसमें अभी क्योंकि दूसरी प्रोडक्शन पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द मैं इस पर वापस आऊंगा और इसको भी बाकी जितनी इसमें वीडियोज रह गई उसको कंप्लीट करके इसको फुल किया जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर जब आप इसमें आएंगे तो आपके पास CSS का जो पार्ट होगा वो फुली कम्प्लीट होगा और बॉक्स शेडो ये सारी चीजें मैंने इसमें डिटेल में बताई हुई हैं। तो CSS के रिलेटेड कोई भी चीज आपने समझ नहीं है कि ओके बॉर्डर क्या होता है, बैकग्राउंड क्या होती है, फोरग्राउंड क्या होती है, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, वेट, ये हर एक चीज को मैंने इस वीडियो इस पूरी सीरीज में डिटेल में बताया हुआ है, फुल डिटेल वीडियोज है, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज जरूर पूछिएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, ये क्या है बॉक्स, बेसिकली ये इसकी शेडो का कलर है, रेड करके देख रहे हैं आप, जो भी आपने करना है उसको ट्राई कर लें और आपको उसकी समझ लग जाएगी। ओके मैंने किसी चीज पे गलत कर दिया, सॉरी वापस आ जाता हूँ। उसके बाद रोटेशन एंगल, ये बेसिकली इस एलिमेंट को रोटेट कर देगा, आप ट्राई कर लें, ये बेसिकली 30 लिखे एंटर करें उसको ये क्लॉकवाइज रोटेट करता जाएगा, अगर आप 360 कर देंगे तो फुल रोटेशन के बाद वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, अगर आप 90 कर देंगे तो ये वर्टिकल में चला जाएगा, ये जैसे एक रोटेशन एंगल काम करता है, दैट्स इट। विड्थ और हाइट, ये बेसिकली लेआउट के रिलेटेड है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्टली हमारे पास ऑलमोस्ट लास्ट कुछ रह गए हैं,
सेलेक्ट अ प्रॉपर्टी टू डिफाइन अ न्यू ट्रांजिशन, ये बेसिकली एनिमेशन के रिलेटेड है। मैं फिर भी आपको एक इसको यूज करके दिखा देता हूँ, फॉन्ट साइज और बेसिकली यहाँ पे ड्यूरेशन मैं इसको 1 सेकंड ले देता हूँ, ऑब्वियसली आप ज्यादा कर सकते हैं और अगर आप और करना चाहें तो कर लें। और उसके बाद ये बेसिकली इसकी ट्रांजिशन ड्यूरेशन फॉन्ट साइज की डिफाइन हो गई है, और आप इसको कोई भी बेसिकली यहाँ पे स्टेप आउट स्टार्ट एनिमेशन लगा सकते हैं। सेलेक्ट पेरेंट एंड चाइल्ड, यहाँ से ये अब काफी आसान है, मैं इसको आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ से एक कंटेनर पकड़ता हूँ ग्रुप ए, उसको मैंने ये बेसिकली इसका नाम ग्रुप ए है, इस पे वापस आया हूँ, डबल क्लिक किया है, इसको ओपन किया है, और अब इसका सेलेक्ट पेरेंट या चाइल्ड करता हूँ और यहाँ पे बेसिकली ये इंडेक्स आ रहा है, तो ये अभी इंडेक्स में ही आया है। ओके ओके सॉरी ओके ये बेसिकली ओके 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 बेसिकली मैंने उसको ऑपोजिट समझा था, ये मेनली बता रहा है कि इस एलिमेंट का पेरेंट कौन सा है, और ये एलिमेंट जितना डीप होगा, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पे आप देखें कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इंडेक्स आ रहा है जो कि पेज इटसेल्फ है, लेकिन अगर मैं इसको उठा के ग्रुप में इंसर्ट कर देता हूँ, ग्रुप ए में मैंने इंसर्ट कर दिया, अब अगर मैं इसके पेरेंट पे जाता हूँ तो ग्रुप ए भी आ रहा है क्योंकि ग्रुप ए इसका पहले पेरेंट है, उसके बाद इंडेक्स पेज इसका पेरेंट है, तो ये इसका तरीका कार है। उसी के साथ हमने जो टेक्स्ट एलिमेंट है उसके में जो अपीयरेंस टैब है उसको फुली स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट अब हम क्विकली स्टडी करेंगे बटन के अपीयरेंस टैब को। मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दूंगा और फॉर्चुनेटली हमारे पास बटन पहले ही अवेलेबल है, और इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैंने इसमें काफी चीजें ऐड कर दी हैं, और इसको मैं यहां से डिलीट कर दूंगा। लेकिन रुके, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर बताता हूं बबल डॉट आईओ में, जो कि है एलिमेंट्स को हाइड और शो करने का। बबल डॉट आईओ में एलिमेंट्स को आप सिर्फ डिलीट ही नहीं कर सकते बल्कि उनको हाइड और शो भी कर सकते हैं। कैसे? एलिमेंट पे राइट क्लिक करें और क्लिक करें रिवील इन एलिमेंट ट्री। बेसिकली आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट ट्री में से भी देख सकते हैं, लेकिन ये तरीका जरा आसान है क्योंकि डायरेक्टली उस एलिमेंट को ये सिलेक्ट कर देगा। उसके बाद ये आप अगर गौर से देखें, मैं यहाँ पे इसको जूम इन कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, तो ये आई आइकॉन है, अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आई पे उन्होंने क्रॉस ऐसे कर दिया, लाइन लगा दी, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा। मैं जीरो प्रेस करूंगा, कंट्रोल जीरो बेसिकली जूम को रीसेट करने के लिए, थोड़ा सा जूम कर दूंगा बस। और ये तरीका है बबल डॉट आईओ में कोई भी एलिमेंट हाइड और शो करने का, वो एलिमेंट वहीं पे है, वो जगह भी ले रहा है, और अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो वो एलिमेंट शो भी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड और शो करना वो बेसिकली डेवलपमेंट की हद तक है, जो प्रोडक्शन है उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें नहीं वो हाइड होगा, अंटिल अनलेस कि आप बेसिकली कोई उसको प्रॉपर्टी लगा के उसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर दें, वो ज्यादा बात है। लेकिन यहाँ पे इस तरह हाइड शो करना ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग डेवलपमेंट है ताकि आपके लिए काम करना आसान रहे। वापस आते हैं, बटन पे डबल क्लिक करेंगे और ये इसका पेरेंट्स टैब ओपन हो गया। सबसे पहले बेसिकली इसका डाटा जो कंटेंट है, कंटेंट क्या, जो यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे वो बेसिकली बटन में शो होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ायोंस, ओके, यहाँ हम इसको कर देते हैं गो टू ज़ायोंस, जरा बेहतर है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है दिस एलिमेंट इजंट क्लिकेबल, अगेन क्लिक कर देंगे तो ये एलिमेंट क्लिकेबल नहीं रहेगा। अब मैं आपको इसमें एक क्विक बेसिकली वर्कफ्लो लगा के दिखाऊंगा, अगेन हम इसको रिपीट करेंगे जब वर्कफ्लो की वीडियो आएगी डिटेल के साथ, लेकिन अभी मैं क्योंकि बटन एलिमेंट है वर्कफ्लो के बिना कंप्लीट नहीं होगा। ऐड वर्कफ्लो क्लिक करें, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अभी क्या हुआ है ये हम बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन इसने क्या किया कि व्हेन बटन गो टू ज़ायोंस, बटन उसकी टाइप है गो टू ज़ायोंस, ये बेसिकली कॉन्टेंट है, इज क्लिक्ड, जब ये क्लिक हो तो क्या करना, और मैं होवर करता हूँ तो वो मुझे बटन दिखाता है, तो मैं कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है, जब ये क्लिक हो मैं कहना चाहता हूं कस्टम इवेंट्स में आते हैं और बेसिकली मैं एक एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन करना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहां पे नेविगेशन में आऊंगा और यहां पे लिखा हुआ है ओपन एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक करूंगा
और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये आ गया, डेस्टिनेशन पूछ रहा है कहाँ पे जाना है, HTTPS कॉलन 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 फॉरवर्ड स्लैश स्लैश zions.com, इस पे जाना है। और बेसिकली और इसको हम कर देंगे ओपन इन न्यू टैब, ताकि बेसिकली हमारे और करंट टैब में ओपन ना हो। वापिस आ जाऊंगा और अभी आप देख सकते हैं कोई इशू भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बेसिकली ये ना लिखता डेस्टिनेशन, बेसिकली ये क्लिक तो हो जाना था, लेकिन इस चीज को अगर ना लिखता एलिमेंट को, इसको अगर मैं क्लियर कर सकूं, हाँ, तो इसकी वजह से एरर आ जाएगा कि मैंने ये लगा दिया वर्क फ्लो लेकिन कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं किया, तो ये एरर आ जाएगा। खैर डेस्टिनेशन में वापस आके वापस लिख देते हैं ताकि सही हो जाए, और प्रीव्यू करते हैं, फिर हम बाकी से कंटिन्यू करेंगे। और अब मैं नो डाउट इस पे क्लिक करूंगा तो उस पे चला जाएगा जायंस पे। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे एडिटर पे और इसको कह देता हूँ दिस एलिमेंट इज नॉट क्लिकेबल, सेव्ड हो गया। प्रीव्यू करते हैं और अब आप देखेंगे कि मुझे ये इस एलिमेंट पे क्लिक नहीं करने देगा, तो ये इसका मतलब है नॉट क्लिकेबल का। वापस आ जाते हैं, बाकी चीजों को क्विकली फिनिश करते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो को फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि अगर हम हर एक बेसिकली एलिमेंट के अपीयरेंस टैब को खत्म करने बैठे तो खत्म हो जाएगा ये कोर्स। खैर डिटैच स्टाइल्स आपके सामने, ओपेसिटी, फॉन्ट, ईटीसी, स्पेसिंग, कलर, बॉर्डर, इंडिविजुअल बॉर्डर, शेडो, ये चीज अभी नहीं आई है। हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, इसको क्लिक करें, ये बेसिकली बताएगा कि जो करंट हॉरिजॉन्टली इसकी जो पोजीशन है उससे थोड़ा सा ऑफसेट वैल्यू में ये चला जाएगा, ओके। और वर्टिकल ऑफसेट, अगेन ये वर्टिकल वैल्यू में चला जाएगा। और उसके अलावा ये बेसिकली ये बेसिकली उसके उसका है बॉर्डर का, और इसको 16 नहीं, इसको मैं 116 करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ 110। तो ये देखें ये चीज यहाँ पे आ रही है, और ये इतना कम क्यों आ रहा है, ये इतना कम इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसकी ओपेसिटी जो है वो बड़ी कम रखी हुई है। मैं 100% ओपेसिटी करता हूँ तो ये देख आपके लिए वो हो गया आसान, 100% ओपेसिटी हो गई है, प्राइमरी कलर दैट्स इट, और चीज बॉर्डर रेडियस ये ठीक है, और स्प्रेड रेडियस 0 कर देते हैं दैट्स इट, और बाकी चीजों को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी के लिए हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को 0 कर रहा हूँ और उसको वहां पे लेके आ रहा हूँ। खैर तो ये बेसिकली बॉक्स शैडो है। बैकग्राउंड कलर, टूल टिप टैक्स, ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर देखा कि जब हम बटन्स पे होवर करते हैं, कोई कोई बटन जिन पे लगा हो, अगर मुझे यहाँ पे कोई बटन मिल जाए तो, खैर जिन बटन्स पे टूल टिप लगी होती है जब हम उस पे होवर करते हैं तो हमें टूल टिप टैक्स नजर आते हैं, जो कि उसका मतलब बता रहे होते हैं कि अच्छा इस बटन पे क्लिक करने से क्या होगा। तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, व्हेन यू क्लिक दिस बटन यू विल गेट रीडायरेक्टेड टू ज़ायंस, ये मैंने कह दिया। प्रीव्यू करते हैं और वो होपफुली सेव हो गया था, तब तक होवर करूंगा तो ये देखें वो टेक्स्ट आ रहा है, तो ये चीज इस तरह मैनेज होगी, ये जरा इंपॉर्टेंट था। टाइटल, बेसिकली ये इसका बटन का टाइटल जो एट्रीब्यूट है वो है, ये इंपॉर्टेंट है एसईओ के लिए। डिस्क्रिप्शन ऐड करें, सॉरी मैं गलत एलिमेंट पे था, सॉरी वो मैं आइकॉन पे था, आपने बटन को क्लिक करना है, वो बटन पे नहीं आएगी वो चीजें। रोटेशन एंगल हमने पहले ही कर लिया है और ये चीज भी हम पहले कर चुके हैं। तो ये हमारा बेसिकली अपीयरेंस टैब था, ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लेआउट टैब से कंटिन्यू करेंगे और उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.